हे गाइस, वेलकम बैक टू नागेंद्र नायक नरेटिव्स। सुबह के बज चुके हैं 7 और हम लोग जा रहे हैं फिर से रोड ट्रिप पे। वागीशा की छुट्टी का और 2 दिन बचा हुआ है, सो वी थॉट विल मेक अ गुड यूज़ ऑफ इट। तो आज जा रहे हैं हम लोग केमनगुंडी। तो बाइक ट्रिप है, वो भी अपने घर पे, मैं अपने घर पे हूँ। यहाँ से उसको जाके पिक करके वहाँ से हम लोग ट्रिप स्टार्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, वागीशा के घर पे बैग वैग पैक कर लिया। निकलने से पहले एक सीन दिख रहा था यार, मस्त मणिपाल का सीन जो दिख रहा था, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, तो मैं सोचा एक बार दिखा देता हूँ। सो हियर इट इज़। ये देखो, दिस इज़ द ग्रीन साइड ऑफ द मणिपाल। एंड वहाँ पे देखो यार, ओ हो हो, वागीशा वहाँ ही पे काम करती है। देर इज़ अ टैपमी का बिल्डिंग वहीं पे है। सो यू सी द क्लाउड्स देयर, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो चलो, एनीवेज, नाउ दिस इज़ डन, अब यहाँ से निकलते हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई तुम्हारे लिए राह दिख रहा हो। वागीशा चल, नहीं दिख रही थी क्या? अच्छा, फीलिंग देखो, ओ सी एंड द डी। चलो निकलते हैं। ये देखो, चाय की दुकान पहुंच गया। वागीशा एक बार घूमो तो, वाह क्या बात है, तुम मिलिट्री ट्रेनिंग जा रही हो। देखो ये हमारा अड्डा है, अंकल हमारे लाइफ सेवर है, तो अंकल बना रहे पूरी शायद, बंस, हाँ बंस। तो जब भी बाहर निकलना हो तो ये अड्डा होता है हमारा चाय पीने का। और वागीशा ने आज चाय नहीं बनाई है क्योंकि नया दूध का पैकेट है, खुल गया तो फिर ख़राब हो जाएगा, इसलिए फ्रिज ऑफ करके आई है। क्या, एसी ऑफ फ्रिज ओपन? ओके, वागीशा ऑल सेट? ओह यस, हेमलेट पहन रही है। अरे यार मैं चलो निकलते। आइडियली जो हम करते हैं, ये ले देख ले, हाँ। जो हम नॉर्मली करते हैं इस रूट पे, वही कर रहे हैं। श्री गणेश ग्रैंड आए आगुम्बे में, अब यहाँ पे एक चाय पी के, हाँ चाय पी के निकल लेंगे। मेरा गंदा फोटो, ये आ भी सकता है क्या? देखो जितने पास से दिखाओगे लोगों को उतना ही प्यार हो जाएगा मेरे से। देखो जाते वक्त बाइक चलाओ, बैग ला दो, बिल भरो, क्या है यार। नहीं देखो, ये खाली इधर वीडियो के लिए, बाकी ये बैग तो तुम लोगों को पता है वही लादती है। नहीं नहीं, लाद सकते हो इफ यू विश। बाइक चला लोगी? बाय बाय। ऐसे करते वक्त मेरे बाल से पसीना, मतलब कैमरा में आ गए, लोगों ने नोटिस किया मुझे। चलो चाय पीते। होटल अतिथि आए हुए हैं, इनका अतिथि सत्कार, इनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं हम लोग। चलो चाय पी लेते हैं फ्रेंड्स। यो मान, हाँ
आइडियली इसको चाय बुलाना चाहिए। रहने तो इसमें सिर्फ आई थिंक चावल का कमी है। ये ना मेरे को कैसा लग रहा है पता है? इसमें लग रहा है जैसे दासा वाला, पता है क्या हाइबिस्कस? हाँ, उसका रस निचोड़ के डाला हुआ जैसा हाइबिस्कस फ्लेवर। बट आई हैव हर्ड दैट उसका चाय पीने से इट हेल्प्स। या कॉन्शियसली पियो ना, एक्सीडेंटली मत पियो ऐसे, मतलब तुम प्रिपेयर्ड तो चाय के लिए हो ना। आर्थराइटिस में कुडू मल्लिगे गांव का नाम है, तो कुडू मल्लिगे में आके चाय पिया और चाय ऐसे फेंकने का मन किया, तो वो गाना है ना, चेल्लिदरु मल्लिगेया वैसा सा। बीच बीच में जब ऐसे जगह मिलते हैं ना तो रुकाना ज़रूरी हो जाता है, इनफैक्ट मजबूरी हो जाता है। तुम ना नेचर के सामने इतने मजबूर हो जाते हो और लोगों को रील्स भी बनाना होता है। ये देखो आज ना इसका लुक्स ना बहुत ऐसा लग रहा है जैसे हर लोकेशन में ना मैं बाइक में जाके रुक रहा हूँ और ये चल के आ रही है वहाँ पे, ये सब पहन के अच्छी लग रही है। देखो जगह देखो, मैडम देखो। ये मैडम बोलना पड़ेगा। क्या बोली क्या बोली? मैं बोली मैडम मत बोलो। ओके मैडम नहीं बोलते मैडम। हाँ गाइस, बचपन के आर्काइव्स से एक छोटा सा यादों का टुकड़ा, ये देखो, ये देख रहे हो, एक्चुअली एक छोटा रथ जैसा बनाया हुआ है जहाँ पे दो मूर्ति बनाई हुई है। सो ये हुआ था मेरे साथ के शिमोगा से वॉलीबॉल टूर्नामेंट ख़त्म करके हम लोग पापा के एम्बेसिडर में वापस आ रहे थे, रात को ऑलमोस्ट एक बज चुका था। तो आगुम्बे घाट सेक्शन में एक स्पॉट पे एग्जैक्टली ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। तो अब रात का 1:30 है, आधे नींद में उठ के देख रहे थे, सिर्फ गाड़ी का हेडलाइट लग रहा था ऐसा लगा। और उसमें क्या था, अभी इसमें देखो, इसमें पूरा बॉडी बनाया हुआ है, उसमें सिर्फ दो चेहरे बनाए हुए थे और आई थिंक छोटा सा बॉडी, मुझे याद नहीं है यार, ये तो 10th स्टैंडर्ड की बात है। तो ये देखते वक्त ना ऐसा लग रहा था कि मतलब दो भूत ऐसे झांक रहे थे गाड़ी में, मैं ऐसा डर गया था कि घर पहुंचने तक मेरे मुंह से एक अक्षर नहीं निकला था। तो ये है देखो, आना है तो भी पार्किंग देना पड़ेगा। रिसोर्ट को पार्किंग दिया सर? बुकिंग आई थी। हाँ बुकिंग कर सर। क्या देखा? बुकिंग दिखाओ बोले। चलो बच गए। मैंने इस पर मैंने दिमाग लगाया, चाचा चौधरी वाला, उसको पूछा अगर रिसोर्ट में रुकना है तब भी हम लोगों को पैसा देना पड़ेगा क्या, पार्किंग का या एंट्री का? फिर उसको बुकिंग दिखा के जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, एक पैसा, एक नया पैसा नहीं लगा। ओ आवे गयो आवे गयो, अपने आवे गयो, अपन सॉरी अपन आवे गयो। सो वी आर हियर फाइनली, दिस इज कैमनगुंडी हिल रिसोर्ट। मैं वहाँ नीचे पूछ रहा हूँ सीता नदी हिल रिसोर्ट यहीं पे क्या कर सीता नदी कैंप। हाँ तो देखो इसने बाल बाल बांध लिए, ये पूरे रास्ते में ना बेचारी कहीं चाय वाय के लिए भी रुके तब भी हेलमेट नहीं खोली है। तो अभी कोइंसिडेंस बताओ ना, कौन सा वाला? जो मेरे हेलमेट पहनने की वजह से। हाँ करेक्ट, यस यस, गाड़ी में ये हेलमेट पहनी थी मैंने, तत्काल के लिए हेलमेट निकाल लिया था, पुलिस ने पकड़ लिया, बट क्योंकि इसने हेलमेट पहना था तो सोचे इसने अभी फिलहाल निकाला होगा, इसीलिए
दे लेट अस गो. सो यही होगा ऑफिस. हाँ यही है. क्या बात है यार, साक्षरता मिशन. ओके, फुल ब्यूटीफुल थॉट्स है था. Look back and get experience. Very good. Look forward and see hope. हाँ. Look around and find reality. Look within and find yourself. हाँ, वो लास्ट बुद्धा वाला फीलिंग आ रहा है मेरे को कंप्लीट. हाँ. ठीक है. चलो ये चारों करेंगे. हाँ, चारों करेंगे. अभी कौन से? Look into. Yes, I. We do have. So look into the video and make a vlog. देखिए हम लोग ऑफिस में आ गए हैं. बुकिंग वुकिंग सब रेडी है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ा. जस्ट आईडी दिया और बोले निकल लो. नहीं, तो साइन करना पड़ेगा. साइन करना पड़ेगा. अच्छा तो सर देखो, आप यूट्यूबर से ना साइन नहीं मांग सकते, आप ऑटोग्राफ मांगते हो. ठीक है. द बुकिंग वुकिंग एंड एवरीथिंग वाज एफर्टलेस. अभी मैं कथकली का एक कैरेक्टर लग रहा हूँ फिलहाल. एंड वी गॉट अ गाई हु इज हेल्पफुल, सो ही सेड ही विल एक्सप्लेन द एंटायर आइटिनरी. So I think rather than me explaining that, it would be good to hear from the horse's mouth. So, unhi se puch lete. Yeah, we have got a very beautiful place nearby from the Kemanpalli. The one is very most attractive place is Hebbe Falls. Hebbe Falls. From here 10 kilometer. Huh. For that we will charge 500 rupees per head. Okay. The sharing basis. Another guests are there. Huh. So we will send with them, sir. Okay. So it is sharing basis. For two people we will charge 1180 rupees. And if you ask our nearby places, one is Z Point Trekking is there, sir. Hmm. That you can do in the morning. Okay. We will, our staff will give 5 o'clock wake up call. 5:30 we will start from the resort. Hmm. And you will come back from that 8:30, sir. 8:30. Okay. And it is depend upon you. If you walk, you know, speedily, you will come back fast. Early, yeah, okay. Fast like that. And 7:30 to 8:30 fire camp will be there. In the night? Yeah, in the night. Okay. Today night, tonight. Hmm. In front of the restaurant. Okay. After Hebbe Falls, you can do from here 1 kilometer. Huh. You can take, for that you can take your own vehicle. Okay. From here 1 kilometer. Hmm. Horticulture garden is there. Okay. Rose garden is there. Actually, that is the final peak of Kemanpalli. Okay. You can have a wonderful view over there. Okay. From the top of the hill. Hmm. Hmm. That is also the places here near. Okay. Okay. Have a nice pleasant, sir. Thank you so much, Arun. You can give me a call. My name is Arun, sir. Yes, sir. Thank you so much. Yes, sir. ट्रैकिंग तो इधर से ही शुरू हो गया. हाँ, कुत्ते भी हैं यहाँ पे. पहचान कर ले. वाह, अब जो ग्रीनरी मिल रहा है ना इस तरफ तो देखो पूरा. ये मजेदार है. और आगिशा का तो यार उसको पता भी नहीं है कि उसके कंधे पे कुछ बोझ है. शी इज मेसमराइज्ड बाय द प्लेस दैट पता ही नहीं चल रहा. और मैं एज यूजुअल अपने लग चुका हूँ. वाह, ये देखो काफी चल के ऊपर आ गया हम लोग. ओके, हमारा रूम नंबर 10 है. Let us see how the expectations go. Ooh, 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 ooh. Oh, this is oh my god worthy. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಮಣಿಕಂಠ ಅಂತ. ಇದೇ ಊರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ ಗೈಡ್. ಓ ಹೌದಾ, ನಮ್ಮ ನೀವೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಸೂಪರ್. ಕಲ್ ಹಮ್ಲೋಂಗ್ ಮಣಿಕಂಠ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ ಜಾಗ ಟ್ರೆಕಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದಾ ಗುರು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈ ರೂಮಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಗುರು. ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಡಿಬೇಕು?
ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ 4 to 5 kilometers ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಹಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 500 meters ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪೀಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉರುಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ. ऑलराइट गाइस, दो 15 हो चुके हैं, ढाई बजे दो 5 हो रहे हैं क्या? ठीक है, तो ढाई बजे लंच लास्ट है, तो इसलिए हम लोग रश कर रहे हैं लंच के लिए. बट तब तक एक बार रूम देख लो. रूम इज नॉट अ लैविश थिंग और एनीथिंग, बट यू नो द शेयर प्लेजर ऑफ हैविंग दिस सीन फ्रॉम द रूम इटसेल्फ यू नो इज वर्थ वट एवर यू एंड अप पेइंग. ठीक है, तो इट्स वेरी कॉम्पैक्ट रूम बट हैज इनफ स्पेस. वुडन फ्लोरिंग है, बाकी जो भी है देख लो, ए सी वेसी भी है एंड एक वार्डरोब दिया हुआ है, प्लस बाथरूम भी देख लो. बाथरूम भी कुछ काफी बड़ा बाटअप वाटअप टाइप का नहीं है, बट ये ना मेरे को ना बाटअप का एक ऑब्सेशन है. तो लेकिन ये ऑब्सेशन ऐसा है कि हम लोग जितने बार भी जहां पे भी घूमने गए हैं आज तक एक बार भी हम लोग को बट मिला नहीं है, तो दैट ऑब्सेशन स्टिल रिमेन्स. क्या बोलते हैं, वर्जिन. दिस इज मी. नहीं है, चल ठीक है, अंदर ही बैठ लेते हैं फिर. तो भाई लोगों, रेस्टोरेंट में पहुंच गए. मेनू मस्त है, ये बोर्ड पे दिया हुआ था जिसका मैंने फोटो ले लिया. हाँ, जिसका मैंने फोटो ले लिया, आप इससे देख के ऑर्डर कर रहे हैं. द मेनू इज लिमिटेड, दो सूप है, दो वेज स्टार्टर, दो नॉन वेज स्टार्टर, तीन वेज मेन कोर्स, तीन नॉन वेज मेन कोर्स, बस दैट इज इट. होता होगा. मेस वाला ही है सीन वैसे, और रात को यहीं पे बाहर कैंप फायर भी लगाएंगे बोले तो. मेरे को कैंप फायर बहुत पसंद है. ओके, शी इज ऑल्सो ईटिंग. यहाँ पे चिली चिकन आया है विद बोन, तो बोन उसके लिए, चिकन मेरे लिए. और भी कुछ बोला है ना, वो आके खा लेते हैं, बट ये अच्छा लग रहा है वैसे. स्पाइसी है, मजा आ रहा है. ओके गाइस, आ गया हमारा मेन कोर्स. तो ये देखो, ये है वेज फ्राइड राइस और ये है कुछ तो रामगढ़ हरा मुर्ग मसाला. रामपुर, हाँ रामपुर हरा मुर्ग मसाला. देखो नॉर्मली ये फ्राइड राइस आई वुड हैव हेटेड लाइक एनीथिंग. ठीक है, क्योंकि ये चावल जो है ना, नॉर्मल राइस में जो यूज़ करते हैं वो चावल है. ठीक है, बट इस माहौल में ना मज़ा आ रहा है. ये एक्चुअली बहुत मतलब घर वाला फीलिंग दे रहा है, एक्सेप्ट everybody would only wish to have a house in this kind of a location. तो हाँ, she will have. तो उसके बाद मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगा, कुछ नहीं खाली ज्ञान पे लूँगा, बट बैकग्राउंड एंजॉय कर लेना वैसा वाला. सो फिलहाल हम लोग एक टेस्टिंग करते हैं. ये हो गया वेज फ्राइड राइस. गुड या गुड, ऐसा नहीं है मतलब. हाँ, कौन सा वो वाला चावल, ठीक है चावल का जो भी कंप्लेंट है, बट द टेस्ट इज गुड, सो आई लाइक इट. और अब करेंगे टेस्ट. थैंक यू. प्लेन सोडा नहीं बेची तो. ये अच्छा है यार, दिस थिंग इज गुड. वेट अच्छा है, टेस्टी है एंड फ्राइड राइस के साथ शायद अच्छा भी जाएगा. ये भी अच्छा जा रहा है जो मैंने चोरी किया है. अच्छा.
Guys, I found something interesting here. Normally, इसका विरुद्ध लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे बोला है नो कैश पेमेंट, पेमेंट ओनली बाई कार्ड एंड यू पी आई. सो दिस इज इंटरेस्टिंग, दे आर प्रमोटिंग, मतलब क्या बोलते हैं, ऑनलाइन मनी, और क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक मनी या वायर्ड मनी, विच इज़ गुड. या सो इट इज़ ईजियर एंड इट इज़ रिकॉर्डेड, सो विच इज़ गुड यार. बट तुम्हारा भी अकाउंट से जाएगा, तो ब्लैक मनी लेकर मत आना यहाँ पे.